गाइस, ये हमारा लॉजिटेक का नया गेमिंग हेडफोन्स है, आप देख सकते हैं। और इसका कलर कितना अच्छा बढ़िया है, इधर देख सकते हैं आप, दिखा है G331 स्टीरियो गेमिंग हेडफोन्स। और अभी हम देखते हैं कि इसके आगे बाजू में क्या है। यहाँ पर अच्छा लॉजिटेक का लोगो है, मस्त वाला, बढ़िया चमकदार। और पीछे कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं इसके, जैसे कि कंफर्टेबल लेदर हेड है, फिर स्वेल है, मतलब आप 90 डिग्री घुमा सकते हो, वॉल्यूम कंट्रोल नॉब है, 50 mm के ऑडियो ड्राइवर्स है जो कि बहुत अच्छे होते हैं। और नीचे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, इमर्सिव साउंड, स्टेरियो, और ये माइक्रोफोन के लिए भी अच्छा है गेमिंग के लिए। और आगे बढ़ते हैं हम अपने हेडफोन्स की तरफ, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है इसका, ब्लैक एंड रेड जैसे कि दिख रहा है। और इसका मैं आगे खोलता हूँ आगे, और आपको और दिखाता हूँ अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि अब ये देख सकते हैं कि ये पूरे 90 डिग्री घूमते हैं, और मैंने एक महीने से यूज करो तो थोड़ा वैसे हो रखे हैं, बड़े खराब दिख रहे हैं बस वो थोड़ा माइक के इधर। और फिर अभी अब आगे हम देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलता है। अरे खुलना ढंग से खुल रहा नहीं। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं हमें लॉजिटेक की तरफ से, वाओ कितना अच्छा है ये, कुछ गेमिंग के लिए थॉट्स कुछ अच्छे वाले लॉजिटेक। थैंक यू लॉजिटेक फॉर दिस। और ये देखिए हमें क्या मिलता है, एक लॉजिटेक का स्टिकर। हाँ सही है, हाँ पैसा दोगे तो चीजें अच्छी मिलेगी क्वालिटी वाली। चलो इसे साइड में रखते हैं, और हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। अच्छा ये भी कुछ ऐसे ही यूजर गाइड है, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है सब। और ये कुछ जापानीज में लिखा है जो कि कोई कभी नहीं पढ़ता, तो इसे भी हम देखे साइड में रखते हैं। और ये देखिए हमें और क्या मिलता है, ये है स्प्लिटर एक, ये आप यूज कर सकते हैं अगर आप पीसी में गेमिंग करते हैं एक, क्योंकि पीसी में दो चीजें होती है, एक माइक के लिए और उसके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ दोनों तरफ लॉजिटेक का वो रखा हुआ है, और ये देख सकते हैं पैड, देखिए 90 डिग्री घूमते हैं मस्त वाले, अच्छे वाले। और ये देख सकते हैं काफी फ्लेक्सीबल है और अच्छे, चीप फील नहीं होता इनमें, ये देख सकते हैं जितना फ्लेक्सीबल है। और हम ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि पॉसिबली हम लोग ऐसे तो खेलने वाले हैं नहीं, तो ये टेस्ट करके मतलब नहीं है। वो ठीक है, अच्छी क्वालिटी का है, चीप फील नहीं होता है, तो ये प्लास्टिक है, अच्छा है। और फिर हम मुझे याद नहीं आ रहा। और ये है माइक है इसका 6 mm का, और ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, बस इतना ही थोड़ा बहुत घूम सकता है। और ये फ्लिप टू म्यूट है, मतलब आप ऊपर करोगे तो ऐसे म्यूट हो जाएगा और ऐसे अनम्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा वाला एक सेलिंग पॉइंट बन सकता है अगर किसी को चाहिए। मैं तो काफ़ी यूज़ करता हूँ इसे, बहुत अच्छा है। और इसका ये देख सकते हैं केबल काफ़ी लंबा है, अराउंड 1.5 to 2 meters लॉन्ग है। और इसमें ये आप यूज़ कर सकते हैं पीसी, मोबाइल और निंटेंडो या एक्सबॉक्स या PS4 के लिए भी, बहुत अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं लेदर का, लेदर पता नहीं लेदर है कि रेजिन है, लेकिन अच्छा है जो भी है, और काफ़ी सही है। फर्स्ट टाइम मैंने जब पहना तो थोड़ा स्वेट हुआ था, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही सॉफ्ट है एकदम, और जल्दी ख़राब नहीं होंगे, अराउंड 3 साल तो मेरे हिसाब से इनको कुछ होगा नहीं, बहुत सॉफ्ट है, पहनोगे तो काफी कंफर्टेबल है, बस स्टार्टिंग में एक बार स्वेट हुआ था। और इधर मैं गेम खेल रहा हूँ उससे, और हम अपने मित्र से बात कर रहे हैं पबजी पीसी लाइट खेलते हुए, उधर हमारी ऑडियो एकदम ही क्लियर आ रही है जैसा कि आप देख सकते हैं, और हम ये गेम बड़े ही आनंद से खेल रहे हैं, हमें कुछ बाहर का सुनाई नहीं दे रहा है और उसका काफी सिर्फ हमारी ऑडियो सुनाई दे रही है। तो और क्या बोलूँ गाइस, ये तो काफ़ी अच्छे हेडफोन्स है, आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।